नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने दो क्लासें कवर कर चुके हैं। एक क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने भारतीय संविधान का ओवरव्यू लिया हुआ था कि आखिर हम लोग आने वाले समय में संविधान में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। दूसरी क्लास में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने संविधान के विकास की जो यात्रा रही है उस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी, क्योंकि आप सभी लोग जानते भी हैं कि कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई गई और संविधान पूरा आपके सामने बनकर आ चुका है। इसे बनने में एक लंबा समय लगा हुआ है। बहुत कुछ हमारे जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, अध्यक्ष जो भी रहे, उन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़ा है। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है और विस्तार से आप लोग संविधान को पढ़ते हैं। हमारे संविधान की ये कहकर आलोचना भी की जाती है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और उसमें से वो पॉइंट हमें जो जरूरी लगे, भारत के एक तरह से लिए जरूरी थे, उन्हें हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया गया। और इसीलिए हमारी आलोचना भी उधार के थैले के रूप में एक तरह से कर दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई होती ही है, बुराई भी होती है। तो स्मार्टगिरी आप कह सकते हैं कि वही होती है कि हम लोग उस व्यक्ति से अच्छाइयां ले लें, उसकी बुराइयां वही छोड़ दें। तो हमारे जो संविधान सभा के जो भी सदस्य रहे हैं, जो भी भीमराव अम्बेडकर साहब, आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, उनके द्वारा सभी इसी तरह की, आप जो सोचिए कि जो अच्छाइयां थी किसी भी देश के संविधान में, उन्हें हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया था। और भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो देखिए, आपकी परीक्षाओं में इससे काफी अच्छी संख्या में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और मेरा मानना है कि अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर आप लोगों ने उठा के देखे होंगे, और अगर उठा के आप लोगों ने देखे हैं और अच्छे से पढ़े हैं, मूल्यांकन किया हुआ है उनका, तो आपको मालूम होगा कि अच्छी खासी संख्या में आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और वैसे भी अगर भारत में आप लोग रह रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय संविधान के बारे में कम से कम आपको मालूम तो होना चाहिए। आपको अपने मौलिक अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपके कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं आपको। आपको अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में मालूम होना चाहिए, सरकारों के बारे में मालूम होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, सरपंचों का चुनाव किस तरह से होता है, जो विधायक होते हैं या फिर सांसद होते हैं, लोकसभा सदस्य, या फिर आप देखिए आपके जो राज्यसभा सदस्य होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इनके बारे में मुझे लगता है कि नॉर्मल बात होती, इसीलिए हमने कहा भी है कि ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि भारतीय संविधान की ये क्लासें हैं, सभी व्यक्ति तक जितना बढ़ा सकते हैं आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। एक बार हम लोग मैप को देख लीजिए, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें आप देखेंगे तो एशिया में आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत है। अपने पड़ोसियों को देखें तो श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, समझ रहे हैं आप लोग? और आप सभी जानते हैं कि 1947 में हम लोग जब आजाद होते हैं तो आजादी के पहले आप देखिए कोई इस तरह का संविधान हम लोगों ने नहीं बनाया हुआ था, हम लोग गुलाम थे एक तरह से। और आप सोचिए कि किस तरह से आगे सरकारें चलेंगी, लोगों के अधिकार किस तरह से होने चाहिए, ये उस समय की चिंता थी। वरना आप सोचिए कि ये किताब, संविधान की किताब ना लिखी जाती उस समय, तो आज हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई होती। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आपने देखा है कि संविधानिक संस्था चुनाव आयोग बना दिया गया, समझ रहे हैं आप लोग? लोगों का ख्याल, लोगों का सरकार ख्याल रखे, इसीलिए आप देखते हैं कि आपको वोट देने का अधिकार दे दिया गया कि अगर सरकारें काम नहीं करती हैं, नेता काम नहीं करते हैं, तो आपके पास वोट है कि आप उस नेता को हटा दीजिए, हरा दीजिए, दूसरा जो आपका भला कर सके नेता उसे चुनिए। और आप सभी को बता दूं कि देखिए, फिर चाहे आपका दक्षिण अफ्रीका हो, आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से हमारे महात्मा गांधी साहब का काफी लगाव था, ऑस्ट्रेलिया हो, समझ रहे, जापान हो, या फिर आप देखिए आपका यूरोप हो गया, या रूस देख लीजिए, संयुक्त, इसे समझ रहे, रूस को सोवियत संघ कहते थे पहले आप लोग रूस को, और ये आप देखिए, ये आपका उत्तरी अमेरिका, कनाडा, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें आप देखेंगे ब्राजील,
समझ रहे, इनसे काफी हम लोगों ने पॉइंट लिए हुए हैं और इनसे हम लोगों ने संविधान में बहुत कुछ जोड़ा भी हुआ है। चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं आगे कि क्या जोड़ा हुआ है और क्या नहीं जोड़ा हुआ है। भारतीय संविधान, संविधान सभा ने संविधान बनाने से पहले विश्व के अन्य देशों में बने हुए संविधान का अध्ययन किया और उनका मूल्यांकन किया, फिर उन सभी विदेशी संविधानों से प्रावधान में भारत के देश के अनुकूल परिवर्तन करके उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि आप सोचिए कि वहां से हम लोगों ने कॉपी कर लिया और अपने यहां लाकर उसमें शामिल कर दिया। हम लोगों ने उसका सुधार करके अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करके अपने संविधान में उन्हें शामिल किया हुआ है। और आप देखेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1945 का सबसे ज्यादा प्रभाव आप अपने संविधान पर देखते हैं। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई देशों के विदेशी संविधान से भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है और उधार का थैला कह के इसकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कि आखिर किस किस से क्या लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है और आपसे देखिए आपकी प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाएगा कि भारतीय संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से पॉइंट लिए गए। नीचे चार आपको ऑप्शन दे देगा, कथन दे देगा, फिर आपसे पूछेगा इसमें से एक दो तीन सही है, दो एक सही है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। मुझे लगता है कि एक मूवी की तरह आप लोग क्लासों को देखिए, किसी भी क्लास को देख रहे हैं आप लोग, तो मुझे लगता है बेहतर आपके दिमाग में ये जो भी पॉइंट रहेंगे ये स्थिर रह पाएंगे और एक लंबे समय तक आपको याद रह पाएंगे। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने संघीय व्यवस्था ली हुई है, तो राज्यपाल का कार्यकाल लिया हुआ है और न्यायपालिका का ढांचा लिया हुआ है, आपातकालीन उपबंध भी लिए हुए हैं। जो आपातकाल आप लोग सुनते रहते हैं ना, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल, उसी की बात कर रहा हूं। वित्तीय आपातकाल, और राज्यपाल अपने अपने राज्यों में राज्यपाल का कार्यालय देखते हैं ना आप लोग। और इससे आप देखेंगे लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तब आप लोग मालूम भी होगा, शक्तियों के वितरण की तीन सूचियां, सातवीं अनुसूची आप लोग पढ़े हैं संविधान में, नहीं पढ़े तो आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे भी, उस पर विस्तार से बात भी करेंगे। तो शक्तियों के जो संघ सूची होती है, संवर्ती सूची, राज्य सूची, उन्हीं की बात हो रही है। ये सभी आपकी कहां से ली गई हैं, जो भारतीय क्या भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा। अब आती है ब्रिटेन का संविधान, और आप देखिए ब्रिटेन का हमारे ऊपर राज भी रहा है, अंग्रेजों का ही एक तरह से आप कह सकते हैं, तो इसका भी प्रभाव काफी हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है एक तरह से। मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी ब्रिटेन की देन है। विधायी प्रक्रिया, ये भी ब्रिटेन के संविधान से मिलती जुलती आपको देखने को मिलेगी। राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक और या फिर नाममात्र का महत्व, ये भी आप देखेंगे किससे, ब्रिटेन के संविधान से आपको देखने को मिलेगी। एकल नागरिकता, ये भी आप देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बात और आपको बता देता हूं, एकल नागरिकता कहने का मतलब होता है कि हमारे यहाँ भारतीय एक ही एक तरह की नागरिकता मिलती है। यूएसए आप लोग चले जाइए तो आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में एक तो आपको देश, एक तरह से आप सोचिए जो राज्य है उसमें, उसकी भी नागरिकता होती है और उस देश की भी नागरिकता होती है, दो दोहरी नागरिकता होती है उनके पास। और ब्रिटेन से परमाधिकार रिटें भी ली गई हैं और यहाँ से दो ही सदन बाद भी लिया गया है, राज्यसभा लोकसभा देखते हैं ना, और संसदीय विशेष अधिकार भी आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। वहीं अगर हम लोग अमेरिका के संविधान की बात करें कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, क्या लिया गया है, क्या क्या लिया गया है, समझ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का ही बना था, ठीक है, और सबसे बड़ा अगर बात करें लिखित संविधान तो भारत का है। तो अमेरिका के संविधान से आप देखेंगे मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी ये अमेरिका से ही लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 पढ़े हो आप लोग तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात होती है, तो उसी की बात हो रही है। तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और जो उपराष्ट्रपति का पद देखते हैं ना आप लोग,
राज्यसभा का सभापति भी होता है वही, तो उसी की बात हो रही है। और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अब बात आती है आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन की बात हुई है। राज्यसभा में जो सदस्य देखते हैं ना, इनके नामांकन की प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देखते हैं आप लोग संविधान के भाग 4 में, वो भी आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो उसकी पद्धति की बात की गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कनाडा का संविधान आता है, और आपसे बात करें कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संघात्मक विशेषताएं, ये आपकी कनाडा के संविधान की देन है। अवशिष्ट शक्तियों शक्तियां केंद्र के पास होना, ये भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है उन्हीं की बात हो रही है, एक कनाडा के संविधान से आपको देखने को मिलेगी। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी आप देखेंगे कनाडा के संविधान से मिलती जुलती है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, या कनाडा के संविधान को इसका स्रोत माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फ्रांस का संविधान आता है, और फ्रांस के संविधान से क्या क्या बात ली गई है बातें, तो इसमें गणतांत्रिक व्यवस्था भी आप देखिए फ्रांस के संविधान से मिलती जुलती है। अध्यादेश नियम, विनियम आदेश, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुता के आदर्श, जो आप लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, वो भी आप देखेंगे फ्रांस के संविधान से मिलते जुलते हैं। ये बात पहले भी बता चुका हूं, ज्यों के त्यों हम लोगों ने उठा के अपने संविधान में शामिल नहीं किए हुए, हम लोगों ने इसमें सुधार किए हुए, इनका अपने हिसाब से इन्हें स्वरूप इनका बदला हुआ है और फिर हम लोगों ने शामिल किए हैं। लेकिन कुछ हद तक आप देखेंगे ये सभी इन देशों से मिलते जुलते हैं, ठीक है, और इसलिए इनका स्रोत मान लिया जाता है। अब चलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर। तो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का प्रावधान जो आप लोग देखते हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा की अगर हम बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान को इसका स्रोत माना जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों के विभाजन की बात होती है ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती है, उसे स्रोत इसका माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र है एक ऊपर, फिर राज्य हैं, उनके बीच भी तो संबंध होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, तो ये सभी व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गई है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और ये क्वेश्चंस कई बार आपकी परीक्षाओं में बन चुका है। आप सभी जानते हैं कि जब राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध होता है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उस गतिरोध को खत्म करने के लिए, समझ रहे, और उसे बुलाता है राष्ट्रपति साहब, उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष साहब। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है जर्मनी के संविधान की। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि जो आपको संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार मिले हुए हैं, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, आपातकाल लगाया गया है, तो उस समय आपके मूल अधिकारों को रोक दिया जाता है, आपको मूल अधिकारों से अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं की बात हो रही है। अब बात आती है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान आपके संविधान में, जो आप लोग संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान देखते हैं ना, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव संबंधी प्रावधान, राज्यसभा जो सदस्य हैं उनके चुनाव संबंधी प्रावधान, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। अब बात आती है सोवियत संघ का संविधान, और आपको बताया हुआ है कि सोवियत संघ को अब रूस कहते हैं, पहले कई देश उसमें शामिल थे, उसे पूरे टोटल आप उन सभी देशों को सोवियत संघ कह देते हैं, और बाद में इसका बंटवारा हो जाता है 1991 की बात है, और अब इसे रूस कहते हैं, ठीक है, का कुछ देश इसे हट चुके हैं। तो मौलिक कर्तव्य आपकी सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श देखते हैं ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक की बात होती है, समझ रहे आप लोग, तो ये भी आपके सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, तो इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा।
और जापान के संविधान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपके जापान के संविधान से लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने समझ भी लिया होगा, और अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना है तो आपको याद भी हो गए होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोग लिखने के लिए आता है मुख्य परीक्षा में, तभी इनका आप लोग वहाँ इनफैक्ट का उपयोग कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए और भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, उनमें भी डायरेक्ट वन लाइनर में क्वेश्चंस भी पूछा जाता रहता है। समझ रहे हैं कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं अपने यहाँ? राष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? तो मुझे लगता है नहीं, आप लोग एक एक करके याद रखिएगा, और हम लोग संविधान की इसी तरह क्लासें चलाते रहेंगे हमेशा। बस आप लोगों को पढ़ना है और आगे आप लोगों को बढ़ाते रहना है, और कुछ कमी हो तो आप लोग बताइएगा उसे। और मेरी राय यही है कि अगर कभी कोई कमी रह जाती है तो नीचे अपना सुझाव जरूर दिया करिएगा, अच्छा हो बुरा हो उसे मानेंगे, उस पर विचार जरूर किया जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग इंजॉय करिएगा।